इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के दूसरे माले पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। जी हां, जजेस के चैम्बर नंबर 214 के पास का ये पूरा मामला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर देख रहे हैं। रोहिणी कोर्ट से आए दिन अलग अलग घटनाएं सामने आती रही हैं और आज अभी कुछ देर पहले खबर मिली है कि रोहिणी कोर्ट के दूसरे माले पर आग लग गई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये देखिए इंडिया टुडे की खबर है जिसमें लिखा है, अ फायर ब्रोक आउट नियर जजेस चैम्बर ऑन सेकेंड फ्लोर ऑफ द रोहिणी कोर्ट ऑन वेनसडे। यानी जजेस के चैम्बर के पास रोहिणी कोर्ट में आग लगने की घटना सामने आई है। बता दें बीते कुछ दिनों में दिल्ली में आग लगने की ये चौथी घटना है। इससे पहले मंगलवार को एक बैंकेट हॉल में आग लग गई थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को नरेला की एक फैक्ट्री में आग लगी थी। इसके अलावा मुंडका की इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। और आज अभी कुछ देर पहले रोहिणी कोर्ट में भी यही मामला सामने आया है। सुबह 11 बजे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। एसी का फटना आग की मुख्य वजह बताया जा रहा है। बाकी असली वजह क्या है इस पर जांच जारी है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।